जबेरा के जनपद तेंदुखेड़ा के आईटीआई बहौरी पांजी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 44 जोड़े एक दूसरे के हुए। मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन में 44 पात्र हितग्राहियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने वर वधु को आशीर्वाद देकर विवाह की सामग्री प्रदान की, जिसमें स्टील की अलमारी, डाइनिंग टेबल, पलंग, रजाई गद्दे, दो तकिया चादर सहित दीवार घड़ी, टेबल फैन, स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, वर वधु के वस्त्र, चांदी के आभूषण में पायल 70 ग्राम, बिछिया 10 ग्राम, मंगलसूत्र 50 ग्राम, माथा टीका 10 ग्राम, कुल मिलाकर 38,000 रुपये की सामग्री एवं 11,000 रुपये का नग चेक प्रदान किया। इस दौरान विधायक ने सभी 44 जोड़ों को नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री दशरथ सिंह लोधी, पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री के निजी सहायक राजकुमार सिंह, जनपद अध्यक्ष तेंदुखेड़ा तुलाराम, जबेरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद राय, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश जैन, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, मूरत सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता सिंह, एसडीएम रावत, सीओ मिश्रा जी, जबेरा सीओ बागरी, मंडल अध्यक्ष गोविंद यादव, भारत सिंह, सचिन जैन, सतपाल सिंह, जुगल शर्मा, लक्ष्मी नामदेव जी, भाजपा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता सहित वर वधु पक्ष के परिवार जनों के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। साथियों, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हित में काम करने वाली सरकार है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। साथी, मुझे याद है जब शिवराज जी की सरकार बनी थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी। बेटी को मध्य प्रदेश की धरती पर अभिशाप माना जाता था। तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और महिला सशक्तिकरण का काम हमने शुरू किया और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। हम लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए साथी। उस लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपए बेटी को देने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है और फिर बिटिया और बड़ी हो जाती है, उसके विवाह का समय आता है तो ये राशि तो हम देते ही हैं। साथ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में हम अपनी बिटिया का विवाह भी करवाते हैं और उसमें भी 55,000 रुपए का दहेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कर रही है। साथी, निरंतर हम आपके हित में काम कर रहे हैं। ये सरकार आपकी सरकार है। मुझे याद है
कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बिटिया के विवाह में 50,000 रुपए देने का वादा किया था। कई विवाह भी हुए लेकिन बहुत कम लोगों को वो राशि पहुंच पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, आज आपका विवाह हो रहा है, आज ही हम आपको 38,000 रुपए का दहेज और 38,000 रुपए की दहेज की सामग्री और 11,000 रुपए का चेक तुरंत प्रदान कर रहे हैं। ये सरकार सरकार का फर्क है। साथियों, हम वादा नहीं करते, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी वरवधु पक्ष जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, विस्तृत मंच है, इस मंच के माध्यम से आप सब को हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आप सबको ये बात करते हैं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हो, आप निरोगी हो, आप समृद्ध हो और निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करते रहें ताकि इस प्रकार की योजनाएं निरंतर चलती रहें। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 44 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए और बहुत उत्साह और उमंग के साथ ये संपन्न हुए। सभी लोगों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा की।